Which technique is best for hair transplant, FUT or FUE? मैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा, हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जन, ALCS क्लिनिक जयपुर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कौन सी टेक्निक ज़्यादा अच्छी है, FUT या FUE। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है, एक मेजर सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसके अंदर कि डोनर एरिया, यूजली जो कि स्कैल्प होता है, स्कैल्प का सेफ जोन होता है, जिसे हम परमानेंट हेयर जोन भी कहते हैं, वहाँ से ग्राफ्ट लेकर के, हेयर लेकर के, और रिसिपिएंट एरिया, उस एरिया में जहाँ पर कि बाल नहीं होते हैं, वहाँ पे इम्प्लांट किए जाते हैं। और ये पूरा प्रोसेस जो है, इसमें तीन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है, वो होता है हार्वेस्टिंग, दूसरा स्टेप होता है स्लिटिंग, और तीसरा स्टेप होता है इम्प्लांटेशन। तो अगर हम टेक्निक्स की बात करें, FUT या FUE, तो इनमें जो डिफरेंस है, वो बेसिकली सारा डिफरेंस जो है वो है हार्वेस्टिंग में, मतलब ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट करने में, कि हम किस टेक्निक से ग्राफ्ट हार्वेस्ट करते हैं। उसके बाद स्लिटिंग और इम्प्लांटेशन के जो स्टेप्स हैं, वो दोनों के अंदर सेम रहते हैं। तो अगर हम बात करें ग्राफ्ट हार्वेस्टिंग की या ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन की, तो FUE में अलग तरीके से हार्वेस्ट होते हैं ग्राफ्ट, FUT में अलग तरीके से हार्वेस्ट होते हैं ग्राफ्ट। और यूजुअली पेशेंट्स हमसे जो चीज़ पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि साहब, कौन सी टेक्निक दोनों में से बेटर है, दोनों टेक्निक्स के प्रॉज एंड कॉन्स हैं, दोनों टेक्निक्स में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। बट डिपेंड करता है कि आपका एरिया ऑफ बॉल्डनेस कितना है, आपका डोनर एरिया कैसा है, आपके ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट कैसी है, आपकी एज कितनी है, आपका स्कैल्प का साइज कैसा है। सो इन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और उन्हीं फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आपके जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, वो आपको एडवाइस करते हैं कि आपको FUT कराना चाहिए या FUE कराना चाहिए, या फिर कुछ केसेस में कॉम्बिनेशन ऑफ FUT और FUE कराना चाहिए। हम एक एक करके अगर बात करें, कंपैरिजन की बात करें कि FUT का क्या फ़ायदा है, FUE का क्या फ़ायदा है, तो FUE के अंदर जब हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग की, कि ग्राफ्ट कैसे निकाले जाते हैं, तो FUE के अंदर कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इम्पोर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पंचेज होते हैं, मोटर होती है, जिनसे कि डायरेक्टली एक एक ग्राफ्ट को हार्वेस्ट किया जाता है। जबकि FUT के अंदर एक इंसिजन लगा के, कट लगा के डोनर एरिया में, और एक स्किन की स्ट्रिप हार्वेस्ट की जाती है, और वो जो हार्वेस्ट करने के बाद जो एरिया होता है, उस पर स्टिचेस लगाए जाते हैं। स्टिचेस ट्राइकोफाइटिक क्लोजर से लगाए जाते हैं, ताकि स्कार भी मिनिमाइज हो सके, जो स्कार है उसमें से भी हेयर आ सके। FUT की जो स्ट्रिप होती है, इसको अंडर मैग्नीफिकेशन फिर एक एक ग्राफ्ट के अंदर सेपरेट किया जाता है। तो ये तो होता है ब्रॉडली स्पीकिंग कि कैसे ग्राफ्ट हार्वेस्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो FUE के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, वो पंचेज जो यूज़ होते हैं, वो यूजुअली इंपोर्टेड पंचेज यूज़ होते हैं। 0.8 to 1 mm साइज के पंचेज होते हैं, जो कि बहुत ही शार्प और फाइन होते हैं। और FUT के अंदर जो कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और जो बॉडी के कॉन्टैक्ट में आते हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं इंसिजन लगाते हैं, वो सब डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो हर केस में नए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। FUE के अंदर जब हम ग्राफ्ट हार्वेस्ट करते हैं, तो वो पूरे सेफ जोन में से यूजुअली हार्वेस्ट होता है, और पूरे एरिया के अंदर से कुछ परसेंटेज ऑफ ग्राफ्ट्स हैं, वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, सो दैट कि जो उसका जो डोनर एरिया की जो डेंसिटी है, वो भी कम ना हो, और कोई भी विजिबल डिफेक्ट ना रहे। FUT के अंदर जो सेफ जोन होता है, उसमें से पूरी एक स्ट्रिप हार्वेस्ट की जाती है, उसके स्ट्रिप के ऊपर का और नीचे का जो एरिया होता है, वो एब्सोल्युटली स्कारलेस होता है। अगर हम स्कार की बात करें FUT और FUE में, तो देखिए, कोई भी टेक्निक दोनों में से ऐसी नहीं है कि जो स्कारलेस हो। FUE के अंदर जो स्कार्स होते हैं, वो पूरे सेफ जोन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और वो बालों के अंदर छिप जाते हैं। FUT के अंदर जो स्कार होता है, वो एक लीनियर स्कार होता है, थोड़ा लंबा स्कार होता है, बट उस स्कार के अंदर भी बाल आ जाते हैं, और जैसे ही बाल आते हैं, तो उस स्कार की विजिबिलिटी ना के बराबर हो जाती है। FUE हम किन कंडीशंस में एडवाइस करते हैं? FUE यूजुअली तब एडवाइस किया जाता है जब ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है, और जो एरिया है, जो रिसिपिएंट एरिया है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है।
जब यही ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम FUT पे जाते हैं, क्योंकि जो ग्राफ्ट नंबर ऑफ ग्राफ्ट जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं FUT से वो FUE से ज़्यादा है। प्रोसीजर करते समय कुछ परसेंटेज ऑफ ग्राफ्ट वो डैमेज होते हैं हार्वेस्टिंग के दौरान। सो अगर हम डैमेज रेट की बात करें ड्यूरिंग हार्वेस्ट तो वो FUT के अंदर कम है एज कम्पेयर टू FUE। FUT के अंदर हर स्टेप मैग्निफिकेशन में होता है, रूट जो है वो डायरेक्टली सामने विजिबल होती है, तो जो डैमेज रेट होता है ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग या ग्राफ्ट प्रिपरेशन वो होता है यूजुअली 1-2%। FUE क्योंकि एक ब्लाइंड प्रोसीजर है, स्किलफुल हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन ही अच्छे से कर सकते हैं, तो उसके अंदर जो डैमेज रेट है हार्वेस्टिंग के दौरान वो थोड़ी ज़्यादा है, वो यूजुअली 5-7% है। प्रोसीजर के बाद अगर हम बात करें कि पेन, स्वेलिंग, रिकवरी वो कैसी रहती है, तो इन दोनों प्रोसीजर्स में FUT हो या चाहे FUE हो, डिफरेंस ना के बराबर है। अगर आप प्रॉपर तरीके से जो आपको मेडिकेशंस एडवाइस की गई हैं, आपके डॉक्टर ने जो आपको एक तरह से रेजीम दी है, आपको मेडिसिंस कैसे कैसे लेनी है, कौन कौन सी लेनी है, कब कब लेनी है, अगर आप वो रेगुलरली फॉलो करते हैं तो स्वेलिंग, पेन, रिकवरी, हीलिंग इन सब चीज़ों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है FUT या FUE के अंदर। और 2 हफ्ते के अंदर दोनों में डोनर एरिया और रिसिपिएंट एरिया ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं एक्सटर्नली तो पूरे हील कर जाते हैं और बिल्कुल ड्राई होते हैं, कोई डिस्चार्ज नहीं होता है, और इंटरनल हीलिंग भी अपने प्रॉपर अगर आप जो मेडिसिन आपको एडवाइस की हैं, जो आपको एक आपके ऑपरेटिंग हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन ने जो मेडिसिन आपको बताई हैं अगर आप वो प्रॉपर टाइम पे लेते हैं, प्रॉपर तरीके से लेते हैं, तो पेन, स्वेलिंग, डिस्कम्फर्ट या हीलिंग ये दोनों में करीब करीब बराबर रहता है FUT और FUE में, उसमें उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। एक बहुत बड़ा चिंता का विषय रहता है, बहुत बड़ा कंसर्न रहता है सभी पेशेंट्स का कि FUT में ज़्यादा आएगा FUE में कम आएगा। देखिए स्कार्स दोनों में होते हैं, दोनों में से कोई भी प्रोसीजर स्कारलेस नहीं है, बट हाँ ये है कि FUE के अंदर जो स्कार है वो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और बालों में आसानी से छिप जाते हैं। FUT का स्कार अगर प्रॉपर तरीके से FUT की स्ट्रिप निकाली जाए और ट्राइकोफाइटिक क्लोजर से बंद किया जाए तो बहुत ही एक पतली सी महीन सी एक लाइन आती है, और ट्राइकोफाइटिक क्लोजर की वजह से उस लाइन के अंदर से भी बाल आ जाते हैं, तो उस एरिया में भी वो जो स्कार है वो इनकॉन्स्पिकस या ऑलमोस्ट ना के बराबर विजिबल होता है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप रहता है स्लिटिंग और जो तीसरा स्टेप होता है इम्प्लांटेशन, वो दोनों में बिल्कुल एक जैसा होता है। हाँ बस ये ज़रूर है जो पॉइंट एक ऑपरेटिंग आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है, उन्हें जो अच्छे से एक्सपीरियंस सर्जन है और एक वेल इक्विप्ड क्लिनिक है, तो वहाँ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिससे कि प्रॉपर तरीके से ग्राफ्ट प्रिजर्व किए जाते हैं, प्रॉपर तरीके से ग्राफ्ट हैंडल किए जाते हैं ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, तो उससे जो डैमेज रेट है ग्राफ्ट की वो चाहे FUT हो चाहे FUE वो दोनों में कम रहती है। अब जब ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो FUT और FUE दोनों को कंबाइन किया जाता है और कॉम्बिनेशन टेक्निक से ज़्यादा ग्राफ्ट हार्वेस्ट किए जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो पेशेंट के लिए जानना ज़रूरी है हेयर ट्रांसप्लांट से पहले और टेक्निक्स के बारे में कि कौन सी टेक्निक बेस्ट है। देखिए ऐसा दोनों में कुछ भी नहीं है, दोनों टेक्निक्स के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। हाँ जब आप कंसल्टेशन करते हैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से तो वो आपको अच्छे से बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सी टेक्निक बेस्ट है। इसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो जानने वाली चीज़ है वो ये है कि आपके जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हो वो क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस्ड हो और जो क्लिनिक है वो वेल इक्विप्ड हो, सो दैट ड्यूरिंग कंसल्टेशन ही आपके एग्जामिनेशन के बाद ही आपको आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन बता सकते हैं कि आपके लिए FUT अच्छी रहेगी या FUE रहेगी या फिर कॉम्बिनेशन टेक्निक से आपका जो एरिया है रिसिपिएंट एरिया वो अच्छे से कवर हो सकता है, सो दैट आप एक नेचुरल और हाई डेंसिटी रिजल्ट पा सके हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। इस वीडियो से रिलेटेड या हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड आपके पास अगर और भी कुछ क्वेरीज या क्वेश्चंस हो तो हमारे नीचे लिखे फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं अपने क्वेरीज और क्वेश्चंस, और हम जल्दी से जल्दी आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।